नमस्ते। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू पॉइंटलेस ब्लॉगिंग। ये पता नहीं कौन सा ब्लॉगिंग का पार्ट चल रहा है, मुझे पता नहीं है। इसका हैशटैग प्रदीप की शादी से कोई रिलेटेड ब्लॉग नहीं है कि हम लोग आज जाने वाले हैं मम्मी के दादी के घर, जहाँ पे मोस्टली मम्मी आप वहीं पे पैदा हुए थे। मेरा जन्म स्थान वहीं पर है। अच्छा, हाँ, मैं पैदा हुई दो चार साल तक वहाँ थी। पापा लाते थे बीच बीच में, साल में एक बार हम लोग आते ही थे, लेकिन जब से शादी हुई है तो बहुत आना तो बहुत कम हो गया, क्योंकि हम लोग ससुराल में रहते हैं, फिर बच्चे हुए, तुम लोग पढ़ाई लिखाई। आज मैं जा रही हूँ, कम से कम 10 साल के बाद जा रही हूँ अपने जन्म स्थान पर। मैं खेत दिखलाऊंगी, ये लोग शहर में रहती है, खेत खलियान नहीं देखी मुझे क्या है। खेत में वो वाला पोस्ट दीजिएगा, पीले पीले सरसों, इसलिए तो मम्मी ने गन्ने 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 लिए हैं। ये देखिए पीला आउटफिट पहना है मम्मी, वो खेत वाला पोस्ट दे दीजिए टाइटैनिक का। कोई पंछी ना अनाज खाती करे। हाँ, आप खेत पे गए? बथुआ चुनने में जाते थे, खूब अच्छा लगता था। और कभी शौक से मैंने धान भी थोड़ा सा, धान गेहूँ जो होता है ना हसुआ, इस तरह करके काटती थी, थोड़ा सा काटती थी शौक से, यही अच्छा लगता। सब कोई चले गए हैं, हमारा जाना बाकी है। एंड दिस इज माय आउटफिट, स्वेटशर्ट, शूज, दीपिका की जीन्स, दीपिका से छीनी हुई, उसके दीपिका से छीना हुआ इसके जूते, ये मैं हूँ। चलिए चलते हैं। आप लोग रुकिए, कोमल कहाँ है? कोमल तो हम लोग पहुँच गए हैं मौसी के घर, यहाँ होगा हमारा नाश्ता पानी। ये छोटी मौसी है, चलिए चलते हैं। लगता है सब ऑलरेडी नाश्ता कर रहे हैं। ए खुशी, ऊपर गए सब? ऊपर जाना है। कोई नहीं है ऊपर, धोखा मिले मुझे। कोई ऊपर नहीं, कहाँ है कोई ऊपर? कहाँ है? हम ऊपर चले गए। गाइस, मेरे साथ धोखा हो गया। मम्मी मौसी लोग टोटो में बैठ के गई, जो आप वीडियो देखें वो लोग मतलब कहाँ, लाला मुझाना जो बोली थी बुआ के घर मम्मी के, वहाँ चली गई। और मेरे को लगा कि हम छोटी मासी के साथ इधर मासी के घर आ गए। सबको बोल रहा था कि मासी के घर आना है, मतलब बड़ी मासी के घर, यहाँ नाश्ता करके उसके बाद वहाँ जाना है लाला मुझाना, बुआ के घर, मतलब जहाँ हम लोग को आज मेनली जाना था। तो हम भी बैठ गए छोटी मासी के साथ, यहाँ आके देख रहे वो लोग यहाँ पे है ही नहीं, टोटल मेरे लेके, मतलब कि वो लोग कहीं और गए, हम कहीं और आ गए अकेले। तो अभी पापा आ रहे लेने के लिए, गुस्सा भी आ रहा है मुझको उतना ही, ढंग से कोई प्लान कुछ बताता नहीं है, कहाँ जाना है क्या करना है, रोना भी आके मेरे को। पापा लेने अब, तो अब जा रहे हम लोग मतलब जिस घर में सबको आया है वहाँ पे, फिर यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। हम भी कंफ्यूज हो गए, जैसे आप कंफ्यूज हो गए हमको तो बहुत भी। जाना है हमको तो मम्मी जाते हैं वहाँ पे जाना है। हाँ, नीलम मसी के साथ वहाँ चले गए, दूसरे कुछ है नहीं, हम खुशी से पूछ रहे दीपिका लोग आई बोल रही नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, जैसे बीच तालाब में छोड़ दिया गया वैसा ही फील हुआ। मेरे को भी लगा कि ये तो ऐसा तो नहीं था। वहाँ जाके अब मेरे आगे टप टप गया, जब उन्हें स्टार्ट हो गया कि इसमें हम लोग छोड़ के चला गया, फिर पापा आए, नीना मसी ने ऊपर सवाल दे रही थी, टीका टीका नाश्ता रखा हुआ है, हम सुनी नहीं, चुपचाप रूम में बैठे हुए, क्योंकि हम जाएंगे तो हम रो देंगे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर पापा आए, मेरे को पापा लेके गए जहाँ मम्मी है, और उसके बाद राहुल आया। राहुल को मामा पहुँचाए, और उसके बाद राहुल कुछ जैसे ही पता चला कि ये वो जगह नहीं है जहाँ इसको आना था, राहुल पीछे वापस जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, पापा को बुला के ला रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है अपने मतलब पेरेंट्स से सबके, कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, इधर उधर ना चले, मेरी तरह रोने लग जाएंगे, डर जाएंगे। देखो देखो कैसे जैसे नाच रही है, गाना गा रही है, देखो। अच्छा ये बताइए, मैं अपने बुआ के घर गई थी 5 मिनट के लिए, करिए। मैं अपने बुआ के घर गई थी, उसको बोल बिना बोले चली गई थी, वो तैयार हो गई, अब वो तैयार होकर रोने लगी, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। फिर उसके पापा आए, उसको लेकर गए, वहाँ जाकर भी हमको देखकर रोने लगी, मम्मी अब छोटे जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, क्या
क्या हम बताएं, उस ससुराल जाने के टाइम में अभी ऐसे कर रही है, हम क्या बताएं। ब्लॉग में बने रहिए, अगर अच्छे लगेंगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हाँ हम जा रहे हैं अपने मम्मी से चिपक के बैठने। बाप रे बहुत कंफ्यूजन हो गया हमको। आई तो उधर है दीपिका की तबीयत हो गई है खराब, उसे थोड़ा फीवर आ रहा है, पापा गए थे दवाई लाने। ये लीजिए। अब हम लोग को मेन जहाँ जाना है लाला मुझाना, वहाँ जाने के लिए बैठ रहे हैं। और मम्मी अपने साथ एक सीट रखिएगा मेरा, हाँ गोदी में ही बैठना पड़ेगा, अब जैसे छोड़ छोड़ के जा रही है मुझको। किसकी शादी हो गई, फुल एकदम नाव वाली फीलिंग टेम्पो में। ये क्या, ये बंद नहीं होता है क्या? अरे बंद होता है, वो तो बोला हम लोग नहीं घूम रहा, लेकिन ये बंद। देखो इसको अंदर करना है, ऐसे अंदर करके ये देखो बंद हो गया, ये तो खुला हुआ है, इसको बंद करके भी फायदा क्या हुआ ये बताओ। तो गाइस मैंने जो टोपी लाया था वो मैंने पहन लिया है, यहाँ पे लड्डू का टोपी है, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। हम लोग फुल एसी का हवा खाते हुए जाएंगे, तो चलिए अब रास्ते का सफर करेंगे, आपको वीडियो में दिखाते चलेंगे। गाड़ी हमारी टेम्पो स्टार्ट हो गई, ये हो गई। यस जोर से भैया जोर, दम लगा के हिस्सा। पापा गए वहाँ पे मिठाई लेने के लिए, और गाड़ी चल नहीं रही तो भैया धक्का दे रहे, धीरे धीरे करते हम लोग बहुत ज्यादा ही नहीं आगे आ गए। क्या जोर लगा कर हिस्सा, हमको दे दो पैसा, हमको दे दो पैसा। ये कहाँ से मिठाई आ गई है, चलने को तो हम आ चुके हैं ये खेत खलियान रास्ते के आर पार, सरसों का शायद खेत ना, सरसों के फूल रहते हैं पीले पीले, वो देखिए। बहुत ज़्यादा हिल डुल रहे हैं यहाँ पे, लडुआ सो गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा ही अंदर आ गए हैं, ये देखिए गाय भैंस सब। एक गाय तो मुझे जीप भी दिखा के चिढ़ा रही थी, बोल रही थी क्या तुम अपने जीप से अपने नाक को टच कर सकती हो, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती हूँ, पर बॉलीवुड में है जो कर सकते हैं। हम लोग पहुँच गए, फाइनली हम लोग पहुँच गए मुझाना, ये चलो चलो मम्मी और केयर मसी बताएंगे अब यहाँ का कहानी। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं पुनः मसी, ये रास्ता गली सब याद है आपको? कुछ कुछ याद आ रहा है, बहुत दिन हो गया ना यहाँ आए, बहुत दिन हो गया। मम्मी किरण मसी तो रास्ता, आपके बेटे के साइज के थे तब आए थे, यहाँ रहते थे ना? हाँ नानी मम्मी के साथ आते थे, मम्मी पापा के साथ यहाँ रहते थे एक महीना डेढ़ महीना। मम्मी और किरण मसी खेत खलियान देखे बोल रही है, किरण देखो यही खेत है, किरण देखो वही खेत है, यहाँ पोटी करने आते थे बस यही बोला। चलो चलो सब यहाँ देख रहे टुकुर टुकुर, देखिए जब पापा चाचा लोग कमाने लगे कलकत्ता में, तो वहाँ से फिर पैसा भेज भेज के दादा जी को देते हैं, तो ये घर बिल्डिंग बनाए हैं। देखो यहाँ साल लिखा हुआ है, निर्माण श्री रामचंद्र जायसवाल, दादा जी का नाम है। 1900 कितना है, 84 साल में बना है ये वाला, पहले माटी का घर था। मेरी मम्मी जब शादी करके आई ऐसे झुकी तो मम्मी बोलती यहाँ पर छिला गया बांस से, तो नीचे नीचे घर था, तो मम्मी को मेरा मम्मी लंबी थी, छिला गया यहाँ पर था। मम्मी बोली भगवान जी से बोली थी, हे भगवान हम लोग घर ऊंच कर दिया, तो धीरे धीरे पैसा कमाए पापा चाचा सब मिलकर, तब चलो चलिए। Na 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 na
ये क्या आपकी दादी का घर है? दादी का घर है। ओ ये मौसी की दादी का घर। ये इनको पहचानते हैं हम? चप्पू ना, चप्पू मामा, इनकी शादी में आए थे, देखे थे। अब सब ऊपर जा रहे हैं। आओ नंदनी, तुमको नहीं आना है? हाँ ठीक है। चलो मम्मी क्या देख रही है? क्या क्या स्टोरी है? कौन गिरा था, कहाँ से गिरा था? वो गली में नीला मौसी गिर गई थी। कैसे कैसे गिरी थी? खेलते खेलते खुला था, पहले पहले खुला था, चोट नहीं लग गया फिर? बाबा हम लोग खेलते थे तो हम लोग का कितना बड़ा छत लगता था, आज कितना छोटा छत लग रहा है। अब आप लोग बड़े हो गए, छत छोटा लगा। लड्डू तुम तब थे भी नहीं, तुम कहाँ से पतंग उड़ाने लग गए? फिर आप लोग पतंग उड़ाते थे ना यार। लड्डू ये पता है तुम्हारी मम्मी का दादी घर है, तुम्हारी मम्मी जब तुम्हारे एज की थी तब यहाँ पे आई थी। पतंग नहीं उड़ाती थी, पता नहीं पतंग उड़ाती थी। छत तो पहले बना नहीं होगा क्या यहाँ पे? अरे बाबा, पापा आपको कैसे पता है यहाँ पे? आप भी आए थे? थोड़ा चेंज हो गया है। शादी हो जाए तो वही करते। और कोई स्टोरी बताइए कि नीला मौसी मासी आप लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन बचपन में किरण मासी सब कर करके दोस्त किसी और पे डाल देती थी। वही तो बड़ी बहन ऐसी होती है। मेरी बड़ी बहन कहाँ है? आपकी बड़ी बहन। लड्डू का टोपी वहाँ कैसे गिरा? फेंका गया लग रहा है। अच्छा लड्डू का टोपी शायद वही हैंडपम्प लग रहा है, सनी देवल उखाड़े थे जो। रिक्रिएट कीजिएगा क्या, कैसे धक्का क्या दिए? रिक्रिएट कर ले धक्का मारे। बेड का छुरी से मामा काटे थे, नानी हमको दौड़ा दौड़ा के मारी थी। नीलम से आप कितने एज के थे जब वो आप गिरे? तो छोटे थे, 5 साल के होंगे, 8 साल की होगी। कैसे कर सकते हैं कि हम ऐसे आप जो कलर वाला जो चूड़ी का कलर नहीं मिला? हाँ हाँ करने वही वाला गेम खेल रहे थे, चीटिंग करने लगी तो हम उसको चिल्लाने लगे थे कि हमको खेल दी। चीटिंग मुझे आज भी बर्दाश्त नहीं होती है। रही थी चीटिंग और जब जानती हो जब वो नहीं होता कलर 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 मैचिंग। हाँ जब मैं वो खेलती थी तब कोई रेड रेड बोलती थी तब मेरा सर फट जाता, तब ब्लड निकल जाता, ये लोग मेरा ब्लड ही छूकर बोलती थी रेड कलर। पहली बार सुन रहे हैं ऐसा, ऐसा खतरनाक गेम खेलते थे, ऐसा तो हम लोग भी नहीं खेलते अभी। अब मिल चुका है एक टास्क, मामा बोले हैं कि यहाँ पे मम्मी लोग बचपन में एक चीज था सामान वो ढूंढना है, वो अब तक रखा हुआ है, इतने सालों के बाद भी वो सामान यहाँ रखा हुआ है, अब सब ढूंढने पे लगे हुए हैं। पापा मौसी जी हम लोग बच्चे सब ढूंढ रहे हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, ढूंढना है यहाँ पे। मामा मौसी लोग जब छोटे थे ना खेलते थे तो वो सामान अभी भी यहीं पे है। हाँ कुछ सामान हाँ वो रखा हुआ है अभी भी ढूंढना है। पापा सोफा सोफा इतना बड़ा लंबा बाल है इनका। हाँ लंबा बाल है, खेलने का मन करता है, भागो। बच्चा लोग से दूरी रहना चाहिए जब वो बोले कि इसको खेलने। पापा पूछ रहे थे यहाँ जो रहते हैं चप्पू मामा, पापा उनसे ही पूछ रहे थे, लेकिन वो बोले कि हमको नहीं पता, आप जाइए भैया से ही पूछ लीजिए, नहीं बताया। पापा ढूंढ रहे, पापा इसी रूम में होगा हमको लगता है, इस रूम में अभी आके कुर्सी है, कुर्सी संदूक है। मामा तो ये भी नहीं बोल रहे ना कि खेलने का कोई चीज है ना कि किसका है, ये बैट है क्या? ना बैट चीज क्या है? बैट है दीदी।
नहीं बैट नहीं होगा, कुछ और ही है। ऐसा क्या है जो कचरा कचरा पड़ा गया, फिर वहाँ से छोटे नाना के घर, फिर वहाँ से मामा के घर गया, क्या है ऐसा? कुछ नहीं देखा है, रुको शोरूम में चलते चलो तो। अभी भी है यहाँ पे? हाँ, बोला कि अभी भी अजंग भी नहीं लगा है। कुर्सी 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 है, चलो तो देखते हैं। कुर्सी रखा हुआ है लेकिन लकड़ी का ही सामान अब छोटे से सामान बाटे हमें कुर्सी है हमको लगता है। मम्मी उठा के ले भैया ये वाला। ये चीज जो है हम लोग का काल का है, इसको हम ये चीज है ना, कुछ नहीं हुआ ढकना बना लेकर इसका बोली लगे यही है, यही चीज है हम लोग का समय का। जब लिया ना वो दो जबलिया कैसे आया है ये बता, जबलिया में मोहनपुर जो फॉर्म है गुरु फॉर्म, हम लोग 10 रुपया किलो का ये खरीदते थे, 50 रुपया बैडमिंटन खेलने पिंकी को लेके हम शायद हल्का हल्का याद आ रहा है मुझको, मुझको अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ये सब घर नहीं बना हुआ था, यहाँ से एंट्री किए थे एक चप्पू पप्पू मामा उनकी शादी में, यहाँ पे चौकी था वहाँ सोए हुए थे। हाँ। कुछ लड़कियाँ बैठी हुई थी, वो मेहंदी पीस के लगा रही थी, दिसलाई की काठी से पीस के। अब मुझे थोड़ा सीन याद है, हमको भी याद है, मेरे को चिकन बॉक्स हुआ था। थोड़ा घूमने और देखने आसपास, अब ये सब बहुत सारा कुछ बन गई है, जैसे 2008 में बन गया। मुझे खाना लाला गांव की सवारी पूनम मासी आपकी फ्रेंड अज क्या ये कुआं ए ज्यादा नहीं झुकना। ओ माय गॉड, पहली बार ऐसा कुआं देख रहे हैं। हम भी पहली बार देखे कुआं, ऐसा नहीं देखे इतना बड़ा कभी, गहरा है बहुत, वो हॉरर मूवी का कुआं। हाँ ये तो कम है बहुत। हाय चंपा चमेली बड़ी अल बेली पतली कमरिया तोड़ी हाय 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 सबके लिए अल बनी घुमा के खातिर चला गांव घूम लो जगदीश कैलाश हमारे चचेरा भाई हलो वो देखो बछड़ा वहाँ तलाव बोला जाता है। हाँ। यहाँ गढ़ही बोला जाता है, ठीक है। हम लोग छोटा थे तो यहाँ पर बैल का घास हम लोग आकर बहुत टूट टूट के खाते थे। हाँ गढ़ही मछली इसी में सब पकड़ पकड़ के हम लोग खाते थे छोटा बेला में। वो भी खुद से डर, हाँ तो वो भी तुमसे डर, उसके आंखों में दिख रहा है डर। किशोर भाई उनका मालूम है। चलो चलो खा नहीं दे नहीं रही, फेंक दे रही है। अब हम लोग यहाँ पे खेत की तरफ आए, ये देखिए सब सरसों का खेत, यहाँ पे भी इतना सुंदर है। सरसों का ही है ना, पीला तो सरसों का ही होता है। हाँ, नाना जी इस स्कूल में, अभी भी स्कूल है तो हमारे नाना जी इस स्कूल में पढ़े हैं। वाह बच्चे पढ़े प्राथमिक विद्यालय मुझाना लाला क्षेत्र रामपुर कारखाना देवरिया। मम्मी आप इस स्कूल में पढ़े हैं? एक बार ऐसे बोरा लेके आए थे, बोरा बैठे थे
चाची के लड़की आती थी उन्हीं के साथ आते थे। महारानी लक्ष्मी बाई का महाराना पड़ता था। नया फीस बनाया क्या लड़का लड़कियों का अलग अलग अभी भी बोरा बिछा के पढ़ाया जाता है यहाँ पे। भी बूढ़ा बच्चा के पढ़ाया जाता है। 10 जनवरी का डेट है यहाँ पे। क ख ग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आ गए। अब यहाँ पे फोटो क्लिक होगा। ये पेड़ है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं यहाँ पे सरपंच बैठ के मीटिंग होता होगा, वैसा कुछ तो यहाँ होता नहीं है। पूजा होता था मम्मी कहती है। यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, मुझे खाने दो मुझे खाने दो। इतना घूमने के बाद एक दुकान मिला है, सब वहीं पे आ गए हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए। मैंने ये पूरा ले लिया है। तो यस लाइन से देना, लाइन से भूखने से ज्यादा भर कब देख कौन सा खाने का छोटा मिला तो ना हर जगह लाइन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुचका क्रंची है बहुत, घुगनी लगा नहीं पानी लगा लेकिन क्रंची है। पेड़ पे चढ़ के आराम करने की सोच रहे थे। हाँ। गंदा हो रहा है कपड़ा ना। तो पेड़ पे चलो आगे वाला आए थे बगीचा था, बगीचा था ना वो मकान ये मम्मी के चाचा का घर यानी कि मम्मी के पापा यानी हमारे नाना जी के चाचा का बेटा उनका घर है ये। मजा आ गया था करके। मजा आ गया। हाय छोटा चीता दिखाई दिया, ये देखो इसकी रफ्तार और किसकी तलवार पर शक नहीं करते, इसकी किसकी तलवार पर शक नहीं करते, बाजीराव की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना। हमारी मम्मी की दादी का घर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।